आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सदन में और देश में जो आक्रोश है, उस आक्रोश में मैं भी मेरा स्वर मिलाता हूं। यह देश अलगाववाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर दल बंदी के आधार पर न पहले भी सोचता था, न आज भी सोचता है, न आगे भी सोचेगा। सदन भी एक स्वर से इस प्रकार की किसी भी हरकत के प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त करें। जो आज किया है, और मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं, मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद जो कुछ भी गतिविधियां हो रही है, न वो भारत सरकार से मशवरा कर करके हो रही हैं, न भारत सरकार को जानकारी दे करके हो रही हैं, और इसलिए आपको जवाब नहीं चाहिए तो ठीक है, छोड़ दीजिए। इतना भी मर्यादा नहीं होगा, प्रधानमंत्री बोल रहे, आप लोग खड़े होकर बीच में ठोकरा रहे आपको। भाई भाई, एक संविधान है, एक संविधान है, संविधान है, चर्चा है तो प्रक्रिया है, पद्धति है, पद्धति अपनाना चाहिए। प्लीज कृपया सुनिए, मालूम है उनको क्या है। 30 साल उनसे साथ मिलकर राज किया, स्नेह किया उनके साथ मिलकर। यस यस प्राइम मिनिस्टर। खड़गे जी, खड़गे जी, जरा आपका इसको संभालिए, ये भी नहीं होता है। और आप दोनों, आप तो बैठे बैठे नहीं बोलते, ऐसे क्या है? थोड़ा तो समझिए। मेरा इस सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप समय आने पर अवश्य राजनीतिक टिप्पणियां करें। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार में हिस्सेदार हैं, इसके लिए आप उसकी भरपूर आलोचना भी करें, और वो आपका हक भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन हम ऐसा न करें कि देश की एकता के संबंध में हमारे भिन्न स्वर है, ये मैसेज न दुनिया में जाना चाहिए, न कश्मीर में जाना चाहिए, न देश में जाना चाहिए। और इसलिए मैं इस सदन को और पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी भी हरकतों को स्वीकार नहीं करती है। देश की एकता और अखंडता में कोई समझौता हमें मंजूर नहीं है। संविधान की मर्यादाओं में ही कदम उठाए जाते हैं, कदम भी संविधान की मर्यादाओं में ही उठाए जाते हैं, आगे भी उठाए जाएंगे। और इसलिए मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं। दूसरा, मोदी जी चुप क्यों हैं? मैंने उस सदन में भी इस विषय में विस्तार से अपनी बात कही थी, और इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें चुप रहना पड़े। हम इन विषयों में वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं आदर्शों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलि दिया है, और इसलिए कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं, कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। और वे लोग जिन लोगों के साथ, और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कुछ बातों का क्लेरिफिकेशन मांगा है, और जैसे
माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, वो क्लेरिफिकेशन आने के बाद, वह भी क्लेरिफिकेशन आने के बाद वह भी सदन को जानकारी दी जाएगी। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, यह आक्रोश किसी दल का नहीं है, यह आक्रोश देश का है। यह आक्रोश उस बेंच का और इस बेंच का नहीं है, यह आक्रोश पूरे सदन का है। और हम एक स्वर से अलगाववादी ताकतों को, अलगाववाद को समर्थन करने वालों को और कानून का दुरुपयोग करने वालों को हम हमारा आक्रोश अभिव्यक्त करते हैं। और आने वाले दिनों में सदन जो एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे ये सरकार उठाएगी।